दोस्तों वेंकटेश्वरा की मूवी संदेव का ट्रेलर देखा मैंने, तो मैं आपको बता दूं कि संदेव का ट्रेलर मेरे को कैसा लगा। उससे पहले बताऊं कि दोस्तों इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मुकेश ऋषि वेंकटेश्वरा। वेंकटेश्वरा को गाइज हम पहले भी देखते आए हैं 90 के दशक से, जिनकी मूवीज तकदीर वाला देखी थी, अक्कूम बक्कूम का किरदार निभाया था, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी मूवी लगी थी। तो उसके बाद हमने उनको जब भी देखा कुंकार से रोल करते ही देखा है, साउथ की फिल्मों में, तमिल फिल्मों में, तेलुगु फिल्मों में, बहुत ही बढ़िया बढ़िया रोल करते, बहुत बढ़िया एक्टर है। तो इस मूवी में भी उनका दोस्तों एक ऐसा रोल दिखाया गया है जो कि एक फैमिली के साथ रह रहा है और अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, बहुत ही एक अच्छा इंसान है, वो अच्छा इंसान कैसे खूंखार बनता है यही सब दिखाया गया है। और दूसरी तरफ हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो दोस्तों उनका इतना खतरनाक और खूंखार लुक है जो किसी भी एंगल से इतने खास विलन लगते नहीं है, बट फिर भी उनको विलन का रोल दिया जाता है। और चलिए ये मानते कि छपरी स्टार देना चाहिए कुछ उनको, जिस हिसाब से छपरी रोल मिलते हैं वो उनपे बहुत सूट करते हैं, बट एक नेगेटिव किरदार उनको दे देते हैं, पर कहीं ना कहीं वो उसमें भी सूट कर जाते हैं। आपने सिगरेट गेम में देखा होगा, बहुत बढ़िया एक्टिंग की थी उन्होंने, और कई मूवीज़ में उन्होंने दोस्तों अच्छी एक्टिंग की है और करते भी हैं और अपना लोहा मनवाते हैं। और बात कर लूँ मैं जैसे कि हीरोपंती 2 में टाइगर श्रॉफ के साथ ऑपोजिट उनको रखा गया था, हालांकि उनमें उनका रोल इतना बढ़िया नहीं था, वो कुछ फिल्में हैं जो नहीं चल पाई, बट फिर भी इधर दोस्तों वो गर्दन ऐसे काट रहे हैं, खचा खच खचा खच ऐसे मार रहे हैं जैसे कोई बकरा या मुर्गा हलाल कर रहा होता है, वो सीन देखकर दिल दहल जाता है। बाकी ओवरऑल ऑफ ट्रेलर इज़ गुड, बट कहीं ना कहीं जब ट्रेलर दोस्तों चालू होता है, जब मुकेश ऋषि को ऐसे पुरानी लुक में दिखाया जाता है, थोड़ी ऐसी वाइब्स आती है जैसे कोई ना लो बजट की मूवी है, बट फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रेलर अपने आप को संभाल लेता है, मूवी की पकड़ ऐसे उसको बनाए रखती है। बट फिर भी दोस्तों ट्रेलर इज़ गुड। अगर आउट ऑफ रेटिंग की बात करूँ मैं 5 में से इसको 3.5 स्टार देना चाहूँगा। आप अपना टेक बताइएगा और थैंक यू दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए। सो टिल देन बाय।